वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सदफ जफर कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ सेंट्रल से मैदान में है। एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस समर्थक सदफ जफर सीए के प्रदर्शन के दौरान उभर कर सामने आई थी। दिसंबर 2019 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। वसूली के लिए सदफ जफर के यूपी में पोस्टर भी लगाए गए थे। सदफ की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी रही है। चलिए आज आपको कांग्रेस के टिकट पर उतरी सदफ की कहानी दिखाते हैं। सदफ जफर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है। पेशे से वो एक शिक्षिका और एक्ट्रेस है। फिलहाल काफी वक्त से वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही है और कांग्रेस की समर्थक रही है। सदफ जफर ने इंडो अमेरिकन फिल्म निर्माता मीरा नायर की फिल्म अ सुटेबल बॉय में बतौर अभिनेत्री काम किया था। फिल्म में उनके काम की काफी सराहना भी की गई थी। लखनऊ की रहने वाली सदफ जफर अपनी शादीशुदा जिंदगी से हमेशा ही परेशान रही हैं। सदफ जफर ने कहा था कि उनके पति ने उन पर बहुत अत्याचार किया है। सदफ ने यह भी बताया था कि वो अपने पति से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी हैं। सदफ अब अपने पति से अलग अपने दो बच्चों के साथ रहती हैं। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सदफ टीचर की नौकरी करती थी और थिएटर में भी एक्टिंग करती आई हैं। लखनऊ सेंट्रल सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक ब्रजेश पाठक की जगह नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष रजनीश गुप्ता को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ मध्य से पूर्व विधायक रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। लखनऊ सेंट्रल सीट से बीएसपी ने आशीष चंद्रा श्रीवास्तव को उतारा है और कांग्रेस ने सदफ जफर को उतार कर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहां करीब 6.25 लाख आबादी निवास करती है। लखनऊ सेंट्रल सीट पर 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। ये शहरी इलाके की सीट है। यहां हर जाति वर्ग के मतदाता रहते हैं। व्यापारी वर्ग के मतदाता इस सीट के चुनाव परिणाम को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी के ब्रजेश पाठक ने अपने प्रतिद्वंद्वी सपा के रविदास मेहरोत्रा को 5000 वोटों से हराकर ये सीट अपनी झोली में डाली थी। हालांकि इस बार उनकी सीट ही बदल दी गई है, इसीलिए मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।